लाइट गया है क्या? आई थिंक लाइट गया है। पता नहीं यार, कभी मुंबई में इतना लाइट भी कुछ जाता नहीं, बट आज कैसे क्या पता नहीं, यार मेरा नसीब ही ख़राब है। देखो टाइम पे लाइट चला। तो इवनिंग के बज चुके 5 और मैं यहाँ पे किचन में क्या करूँ, आज का वीडियो क्या रहेगा, तो थोड़ा कुछ डिफरेंट रहने वाला है आज मेरा। और एक टैलेंट आप लोग यहाँ पे देखोगे। तो एनीवेज सर, पब्लिक वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका सबका प्यारा नेहरा मिथ मुंबई का, मिथ मुंबई का नहीं, बट आज के लिए मैं रहूँगा मास्टर शेफ मिथ। नो गॉड प्लीज। आज कुछ एक नई चीज़ बना के बताऊँगा जो आप सबको बहुत पसंद आएगी, होप सो। तो ये ऐसे ही पहनते ना यार, फर्स्ट टाइम पहन रहा हूँ मैं ये, और वैसे तो किचन में बनाते रहता हूँ कुछ ना कुछ, बट आज कुछ ज़रा स्पेशल बनाऊँगा। लेट्स सी, होपफुली अच्छा रहना चाहिए। और बाद में टेस्टिंग के लिए 2 बंदे लोग को बुलाया। कौन बंदे लोग हैं? मेरे घर वाले ही है, मम्मी और मेरा भाई है अंदर बैठे, तो वो लोग से टेस्टिंग करवाएंगे। बट उसके पहले अभी फटाफट स्टार्ट करेंगे। उसके लिए चाहिए आपको ये मैगी 2 पैकेट, आई थिंक एक में ही काम हो जाएगा अपना। और 4 अंडे चाहिए आपको, और बाकी ये मैंने कोरिएंडर लिया है, देन अपना ये सब मैंने कटिंग करके रखा है, ये ओनियन है, ये टोमेटोज है, और यहाँ पे मिर्ची भी काट के रखा है। सबसे पहली चीज़ हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले मैगी। मैगी नॉर्मली जैसे बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है, बाकी कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले, अरे यार गैस तो जलाया ही नहीं अभी तक। ठीक है, सबसे पहले जलाएंगे गैस। एक कप पानी आपको डालना है, ये डाल दिया मैगी मसाला, तो ये मैगी डायरेक्टली इसके अंदर छोड़ देंगे। सो करना क्या है, सिंपल सा फंडा है, मैगी जैसे नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बट उसको ड्राई रहना चाहिए। ड्राई रहने के बाद में उसको साइड में रख देंगे और बाकी की चीज़ें बाद में प्रिपेयर करेंगे। मैं यहाँ पे बॉइल्ड हो रहे मस्त वाली मैगी, यम्मी मैगी। यहाँ पे बन चुकी है मैगी, अभी मैगी को साइड में निकालेंगे। मैं तो बहुत बड़ा कुछ मास्टर शेफ नहीं हूँ, बट मुझे जज मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहता हूँ घर पे, क्योंकि है अभी क्वारंटाइन डेज में तो घर पे ही बैठना पड़ता है। ये बन चुकी है मैगी हमारी, और ये मैगी रहेगी साइड में। तो नेक्स्ट अभी हम लोग बनाएंगे, इट्स लाइक ऑमलेट मैगी पिज्ज़ा। ये हमारी रेसिपी का एक अलग ही तरीके का एक नाम रहेगा। मेरे पास ये 4 अंडे, 4 अंडे को यहाँ पे फोड़ देंगे और रख देंगे। अंडे फोड़ना तक नहीं आ रहा है। चलो उसमें क्या क्या डालना है देखते हैं। तो ये रहा नमक, थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल देंगे। ये गया मिर्ची। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं खुद का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो प्रॉपरली आई थिंक मैं पूरा शॉट्स ठीक से ले नहीं पाऊँगा, बट एनीवे थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं एक ब्लॉगर हूँ और ये सब चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो थोड़ा मैनेज करके लेना। बाकी कचरा वचरा है ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरे को ना बाद में बहुत गाली नहीं मिल रहा है। इसको आई थिंक 5 मिनट कंटिन्यू आपको घुमाना पड़ेगा। अभी घुमाने के लिए मेरे पास और एक चीज़ है, ये एक इलेक्ट्रिकल का कुछ है, मैं इसके अंदर डाल दूंगा और घुमा दूंगा। ये मैं कंटिन्यू 5 मिनट तक करूँगा, क्योंकि हमको चाहिए फ्लफीएस्ट बनना चाहिए ऑमलेट, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करेंगे। अभी गर्मी होता है ना, पता नहीं था किचन में रहकर भी इतना गर्मी होता है। क्या मिक्स हो रहा है यार, जबरदस्त मिक्स हो रहा है, आपको देख रहा है। हाथ से ये कैमरा हैंडल करके ये सब नहीं कर पाऊंगा, मैं एक साइड में रख देता हूँ कैमरा, होपफुली आप देख पाओगे। मैं तो पहले ही ना धो के रख देता हूँ, अदरवाइज मेरी मम्मी ना बहुत चिल्लाने वाली है। ये देखिए किस तरीके से मस्त एकदम हो गया, ये मतलब 4 ही अंडे थे, 4 अंडा अभी है ना, आप देखो बस देखते जाओ। तो इसमें हम लोग डालेंगे मिर्ची, मिर्ची है सब सब उठा के डाल देने का डायरेक्टली इसके अंदर।
जो भी बनेगा आई थिंक जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। कम रख देता हूँ मैं, सबको कम रखना है। यूज़ करो ये ऑलिव ऑयल मैं यूज़ करूँगा। आई थिंक ऑयल तो गर्म हो गया अभी। अभी ये जो बना ना ये पूरा डाल देंगे उसके अंदर। फुली अच्छा बनना चाहिए। लाइट गया क्या? आई थिंक लाइट गया। पता नहीं यार, कभी मुंबई में इतना लाइट भी कुछ जाता नहीं, बट आज कैसे गया पता नहीं यार, मेरा नसीब ही ख़राब है। देखो टाइम पे लाइट चला। चलो सिर्फ दो मिनट के लिए लाइट गया, दो मिनट के बाद में लाइट भी आ चुका है। अभी ये बन गया है। आपको क्या करना है ना, आपको एकदम धीमी आँच पे यहाँ पे रखना है। तो इसको थोड़ा पकने के बाद में उसके ऊपर हम लोग अभी ये वाला चीज़ डाल देंगे और बाद में इसको पल्टी भी मार देंगे। देखो कितना ज्यादा ये फ्लफीएस्ट बनने वाला है ना, मजा आएगा खाने में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। काम करेंगे अभी जो मैगी बना हुआ है वो मैगी इस तरीके से डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। तो मैगी डल चुका है अंदर, और भी आई थिंक मैगी रहता ना तो अच्छा रहता, कि मुझे तो ये बहुत कम लग रहा है मैगी। एनीवेज क्योंकि ये ऑमलेट बहुत ज़्यादा फ्लफीएस्ट बनने वाला है, बहुत बड़ा बनने वाला है, तो पिज़्ज़ा का भी फील इसमें आ ही जाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। जो मैगी मसाला बचा हुआ था वो ऊपर से डाल देंगे। ऊपर रख देते हैं। पता नहीं यार कैसे बनेगा क्या बनेगा, इतना ज़्यादा पसारा हो गया है यहाँ पे। पिज्जा जैसा ही लग रहा है भाई। अभी ना मेरे हिसाब से इसको पलटी मार देते हैं तो बेस्ट रहेगा। पचका हो गया ना, क्या बताऊं क्या ना, सच बता रहा हूँ इतना बड़ा पचका है ना मेरा आज तक हुआ नहीं है कसम से, क्योंकि बनाने गया कुछ और बन गया कुछ और। देखिए इसको कैसे मॉडिफाई करना चाहिए ना, अभी वो पहले सबसे पहले मेरे को जरा सोचना पड़ेगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। एक बात तो है भाई, तुम ब्लॉगर हो तो तुम अपने औकात में रहो, तुम शेफ नहीं बन सकते। अरे देवा उठा ले रे बाबा। कुछ तो करते अभी इसको दिमाग लगा। मांडी तो खूब जाले। कुछ तो मॉडिफाई तो आई थिंक मैंने कर लिया, ये इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके ऊपर डालेंगे चीज। फिर टेस्ट के मामले में अगर बोलूँ तो बहुत ज़बरदस्त बना है, बट थोड़ा वो रहता ना यार, ये उठाओ बिठाओ ऐसा ऐसा करो, अल्टी पल्टी अल्टी पल्टी में मेरा पल्टी हो गया। फाइनली ये बन चुका है, ये बनाने गया कुछ और बन गया कुछ और। अभी आई थिंक टेस्ट तो बहुत बढ़िया ही है, और मम्मी ने ये सब ताम झाम देख के ना 10 गाली तो दे ही दिया रहेगा मुझे। क्याडी चल जा खावे अपने चल के अंदर कर। अरे पापा आता ही तिल ते चा कर ते बंद कर तू तक के बेरा सुदे दिसुते दर लोकांना पण बंद कर नारे गंगरम कपडे। भी दिया है भाई को टेस्ट करने के लिए, उसके पहले भी वीडियो निकाला वो आ नहीं रहा है, मेरा थोड़ा मेमोरी का इश्यू है कब से। हाँ हाँ मैंने तो खा लिया, मेरे को तो बहुत पसंद आया, मम्मी ने भी खाया। मम्मी का एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया, उसको किचन पूरा साफ करना पड़ रहा है अभी,
तो यही होता है कभी कभार बना लेंगे ना तो वैसे ही हो जाता है। और यहाँ पे फ्लफी भी देगी, यहाँ पे फ्लफी भी देगी, उसको भी चाहिए फ्लफी, फ्लफी को देते हैं। देखो फ्लफी ने खाया फिर भी उसको और चाहिए अभी, ये और तो नहीं मिलेगा उसे। अरे अरे ना ना ना। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अरे हो नंतर नंतर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस, इट्स स्मिथ मुंबईकर, एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड नेवर फॉरगेट टू एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय। ठीक है थोड़ा सा बस आधा सा।